पुलिस आयुक्त महोदय गौतम बुद्ध नगर के निर्देशानुसार जनपद में वांछित अभियुक्तों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत आज दिनांक 30 जनवरी को बिशरख थाना पुलिस टीम के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों वाहनों की चेकिंग की जा रही थी। उसी दौरान मुखबिर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि एक स्कूटी पर दो बदमाश गुजर रहे हैं। पुलिस टीम द्वारा उनको रोकने का इशारा किया गया, परंतु वह नहीं रुके। पुलिस टीम के द्वारा उक्त बदमाशों का पीछा किया गया, जिससे उनकी स्कूटी स्लिप होकर के गिर गई और वह बदमाश पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायरिंग करने लगे। पुलिस टीम के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें उक्त दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी। उक्त बदमाशों ने पूछताछ के दौरान अपना नाम रोहन व रौनक बताया, जो मदनपुरी दिल्ली में रहते हैं। इनके द्वारा बिशरख तथा अन्य जगहों पर घटनाएं कारित की गई हैं। इनका एक लंबा आपराधिक इतिहास है। पूछताछ के दौरान इनके द्वारा और कहां कहां पर घटनाएं कारित की गई हैं, उनकी और विस्तृत जानकारी की जा रही है। इनके पास से घटना में प्रयुक्त चोरी की स्कूटी, दो अदद तमंचे, एक चोरी का मोबाइल कार्टेज बरामद हुए हैं। यह लोग कार का शीशा तोड़कर लैपटॉप मोबाइल इत्यादि चोरी करते थे। अन्य विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है।